मोटापा को हम लोग बीएमआई के टर्म में डिफाइन करते हैं। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स होता है एक्चुअली इसको जो भी लोग होते हैं उनके हाइट और वजन वेस्ट सरकमफ्रेंस को मिलाकर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसका वैल्यू वेरी करता है 18 से 25 नॉर्मल आदमी के लिए। 25 से ज़्यादा हो और 30 से कम हो तो इसको ओवरवेट बोलते हैं, 30 से ज़्यादा हो तो इसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी फिर डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड होता है। यही बीएमआई अगर 40 से ज़्यादा हो तो इसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। तो मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब ये होता है कि उसको मोटापा के साथ और भी बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, घुटनों के दर्द की बीमारी, सांस में सोने के टाइम में तकलीफ, इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, ये सारा बीमारी डेवलप हो जाती है। इसको ऑल टुगेदर सब मिलाकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको ये सारी बीमारी हो जाती है, मोटापा भी मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाता है, तो वो नॉर्मली जो डाइट प्लान या जो भी अदर मेथड्स होते हैं वजन कम करने का, उससे वो कम कर नहीं पाते। तो उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है सर्जिकल मैनेजमेंट का। तो ओबेसिटी सर्जरी बेसिकली इन्हीं लोगों को एड्रेस करने के लिए होता है इनको कि मोटापा के साथ में डायबिटीज है। तो उसमें सर्जिकल प्रोसीड्योर्स होता है डिफरेंट टाइप्स का, जिसको करके हम लोग जो है मोटापा को कम करते हैं। ये किसी तरह का एक्यूट प्रेजेंटेशन लेके नहीं आता है। जैसे किसी को गॉल स्टोन है तो उसको पेन होता है, अपेंडिक्स है तो दर्द होता है, और भी प्रॉब्लम है तो उसका अलग सिम्टम्स होता है। तो ओबेसिटी एज सच किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं देता है, इसलिए इसको जब जब तक लोग अवेयर होते हैं तब तक वजन काफी बढ़ चुका होता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि जब तक लोग इसके बारे में सोचते हैं कि इसको कम करना है, बीएमआई और बॉडी वेट काफी बढ़ चुका होता है। साथ में जब स्क्रीनिंग होता है तो उसके साथ में और भी बहुत सारे बीमारी आ जाते हैं। तो आज के डेट में ये जो मॉडर्न डे है, इसमें ओबेसिटी बेसिकली इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज। अभी क्या है कि ज्यादातर लोगों का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है, ऑफिस में या घर पे वो बैठ के रहते हैं। जो डाइटरी हैबिट है जो पहले की तुलना में वो ज्यादा रिफाइंड हो गया है, तो रिफाइंड जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स लोग ज्यादा लेते हैं, तो ये जो डाइटरी हैबिट चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंजेस, ऑल टुगेदर ये सारे चीज को मिलकर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से वो इंसुलिन लेवल जो है जैसे कंटिन्यूअसली वो पिकअप करते रहता है, बेसल रेट पे रहता नहीं है। इसकी वजह से जो है बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मोटापा को बढ़ाते हैं, इसमें कि ग्रेलिन हार्मोन है, और भी इसमें इससे इंसुलिन लेवल जैसे ही किसी का अगर रेसिस्टेंस फॉर्म में आ जाता है तो वो भी एक मोटापे को बढ़ाता है। थायराइड इसके साथ एसोसिएटेड होता है, वो भी मोटापे को बढ़ाता है। तो ये जितना भी लाइफ स्टाइल है इसको लेते हुए जो है मोटापा बढ़ता है। साथ में कुछ कुछ कंडीशंस भी होते हैं, डिजीज कंडीशन भी, इसमें भी कि मोटापा होता है लेकिन वो कम है। ज्यादा जो कंडीशन है मोटापा का वो लाइफ स्टाइल डिजीज है और अभी जो डाइटरी हैबिट है उसकी वजह से। आज के डेट में एडोलेसेंस ओबेसिटी इतना ज्यादा बढ़ गया है, चाइल्डहुड ओबेसिटी, कि नॉट बिफोर 10 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स के बाद ये सर्जरी किया जाता है और हो भी रहा है। और अपर एज लिमिट इसका एज सच कुछ नहीं है। किसी पेशेंट का अगर एज 70 भी है और पेशेंट का परफॉर्मेंस बेटर है, वो सर्जरी को टॉलरेट कर सकता है, और पोस्ट सर्जरी कंप्लायंस मतलब वो रह सकता है, जो जो एडवाइस दिया गया उसको उसको फॉलो कर सकता है। तो बेसिक आइडिया ये होता है मेटाबॉलिक सर्जरी या ओबेसिटी सर्जरी का कि इससे जो आपका आने वाला लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। तो मॉर्टेलिटी को डेफिनेटली रिड्यूस करता है ये। कोई आदमी अगर मॉर्बिड ओबेसिटी से सफर कर रहा है, जिसका बीएमआई 40 है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, स्लीप एपनिया है, ये सारा बीमारी जिसको है, तो उसका जो आने वाला लाइफ स्पैन अगर 20 साल है तो सर्जरी के बाद वो लाइफ स्पैन 30 साल डेफिनेटली होता है। तो मॉर्टेलिटी, एक्यूट कार्डियक इवेंट्स, ये सारे चीज को ये रिड्यूस करता है। तो एडोलेसेंस एज में थोड़ा लिमिटेशन है लेकिन करते हैं सर्जरी, ऐसा नहीं है। विथ सिलेक्टिव केसेस वी डू सर्जरी इन चाइल्डहुड ऑल्सो। फैट लाइपोसक्शन या फैट रिमूवल का कोई प्रोसीड्योर नहीं है। जैसे बहुत सारे आप एड में देखिएगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया का फैट का कंटूरिंग करने के थाइज में, बैक में या बटक्स में, तो
वो आइडिया नहीं है इस सर्जरी का। इस सर्जरी का जो आइडिया है कि इसमें बेसिकली इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। एक होता है कि वी रेस्ट्रिक्ट द फूड इनटेक, सेकेंडली वी रेस्ट्रिक्ट द फूड इनटेक और उसके साथ खाना का जो एब्जॉर्प्शन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसको भी कम करते हैं। तो इसमें बेसिकली जो करते हैं वो जो खाने का जो जिसमें खाना जाता है जिसको स्टोमिक बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो जो स्टोमिक है उसके साइज को छोटा किया जाता है। सपोज कीजिए अगर उसका कैपेसिटी स्टोमिक का जो है 1.5 लीटर या 1200 ml है, तो उसके साइज को छोटा करके हम लोग उसको 100 ml कर देते हैं। तो जो आदमी पहले 4 रोटी 5 रोटी खाता था, अब वो 1 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकता है, उतना में उसका पेट भर जाएगा। पहला चीज तो एक रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीड्योर्स करते हैं। दूसरा है कि कुछ सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है उसके कुछ सेगमेंट को हम लोग बाईपास कर देते हैं ताकि खाना उसमें नहीं जाए। तो इसको माल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीड्योर बोलते हैं। इसमें कि एक तो हमने खाने के कंटेंट को जो साइज है जो थैली है स्टोमेक को उसको छोटा कर दिया, कुछ सेगमेंट को बाईपास कर दिया, तो जो फूड इनटेक का जो एक्सेस एब्जॉर्प्शन हो रहा था जो एक्सेस इनटेक हो रहा था दोनों कम हो गया। तो ये कंप्लीट सर्जिकल प्रोसीड्योर है। इसमें अलग अलग टेक्निक्स फॉलो करते हैं पेशेंट के हिसाब से, जिस पेशेंट को जैसा जरूरत हो जैसा वो टॉलरेट कर सकता है उसके हिसाब से उसको ऑप्शन दिया जाता है और उसके हिसाब से ये सर्जरी होती है। बिल्कुल लाइपोसक्शन नहीं है, इससे किसी तरह का चर्बी नहीं निकाला जाता है और इसका इफेक्ट जो है 1 दिन या 2 दिन में नहीं आता है। इसका इफेक्ट आने में कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सर्जरी का जो मेन टारगेट है ओबेसिटी सर्जरी का, वो बेसिकली इसको आजकल ओबेसिटी सर्जरी नहीं बोल के मेटाबॉलिक सर्जरी बोलते हैं। तो इसका जो मेन टारगेट है वेट लॉस तो एक टारगेट है ही, साथ में जो मेन टारगेट है कि जो पेशेंट ओबेसिटी है साथ में डायबिटीज है और ये स्लीप एपनिया जो रात में सोने टाइम में सांस की तकलीफ से नींद खुल जाती है, ये प्रॉब्लम विद इन अ वीक 1 हफ्ते से 10 दिन में चली जाती है। इस पेशेंट को इंसुलिन लेना होता था, उसका इंसुलिन या तो बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। जो पेशेंट को सांस की तकलीफ थी वो खत्म हो जाती है 1 हफ्ते में। तो इसमें जो है ड्रास्टिक रिलीफ मिलता है, जो उसका लाइफ हैम्पर हो रहा था वो बहुत आसान हो जाता है। तो बेसिकली ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल कॉस्मेटिक सर्जरी। हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या, हम लोग क्या चाहते हैं? तो इसमें हम लोग सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि मरीज का वजन कम हो जाए, हम लोग ये चाहते हैं कि मरीज का जो डायबिटीज है वो खत्म हो जाए, मरीज का जो हाइपरटेंशन का जो मेडिसिन है वो कम हो जाए, सांस का जो प्रॉब्लम हो रहा था स्लीप एपनिया हो रहा था वो कम हो जाए, घुटनों का दर्द कम हो जाए, उसके साथ साथ में मोटापा भी कम हो जाए। तो कुछ चीजें जो हैं जो इफेक्ट है इसका जो डिजायर्ड इफेक्ट है, जैसे मैंने अभी बताया डायबिटीज स्लीप एपनिया, ये 1 हफ्ता से 10 दिन में खत्म हो जाता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट। अबाउट 80% जितने अभी तक स्टडीज आए हैं इसमें 80% रेजोल्यूशन है, 80% केसेस में डायबिटीज खत्म हो जाते हैं, उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो डोज विद इन 1 वीक डोज विल डिक्रीज बाई हाफ। सेकेंडली जो वेट लॉस पार्ट है जो ओबेसिटी पार्ट है उसका इफेक्ट आने में अराउंड इट टेक्स 2 to 3 months। 2 to 3 months में वी अचीव, बेसिकली हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि उसका एक्सपेक्टेड वेट 70 होना चाहिए था, अभी 120 है, तो 50 किलो एक्सेस वेट है। तो 50 किलो का जो एक्सेस वेट है उसमें से हमारा टारगेट होता है कि एक्सेस वेट से का हम लोग 80% जो है वेट लॉस अचीव करें। तो 50 किलो का 80% 40 kg होता है, तो 40 kg वेट लॉस अचीव का जो टारगेट है वो हमारा टारगेट होता है अराउंड 6 महीने तक। तो उसका जो 50% है वो 2-3 महीने में हो जाता है, बाकी जो 50% है धीरे धीरे वो 5-6 महीने में होता है। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, प्योरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब दूरबीन के द्वारा पेट में 3 से 4 छेद किए जाते हैं, उसके द्वारा ऑपरेशन हो जाता है। तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 2रे या 3रे दिन छुट्टी कर दिया जाता है, वो घर चले जाते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव जो बड़े सर्जरी में जो पेट को मतलब ये ऑपरेशन इंसीजन लगा के जो सर्जरी करते हैं उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है कि घाव में इन्फेक्शन होना, घाव सूखने में टाइम लगना या उसके बाद हर्निया हो जाना, ये सब तो बहुत इसमें नेग्लिजिबल है, नहीं होता है। दूसरा है कि पेशेंट को जो पोस्ट ऑपरेटिव, जैसे इसमें सबसे पहले ये है कि हम लोग उसी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं
कि जो मोटिवेटेड हो सर्जरी के लिए, तो जो पेशेंट सर्जरी के लिए मोटिवेटेड होता है तो उसको ऑपरेशन के पहले हम लोग लगभग 3 से 4 महीने और 6 महीने तक जो है डाइट प्लान पे रखते हैं। जो लोग ऑपरेशन के पहले डाइट के कंप्लायंस में रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसी पेशेंट को हम लोग जो है ऑपरेशन सर्जरी ऑफर करते हैं। तो सर्जरी के बाद भी पेशेंट को 5-6 महीने तक एक डाइटरी एडवाइस होता है, उसको फॉलो करना होता है, जिसमें ये एडवाइस होता है कि खाना का क्वांटिटी क्या होगा, कोई फिजी ड्रिंक अलाउड नहीं होता है कुछ दिनों तक। फिजी ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितना भी है वो अलाउड नहीं होता है। उसके बाद कोई बल्क फूड बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो उनको लगभग 3-4 महीने तक एक डाइटिशियन जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है हमारी, उनके साथ टैग कर दिया जाता है, उनके कंसल्ट में वो रहते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव मल्टीपल विटामिन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट जिसको पहले ज्यादा खाने की आदत थी अभी कम खा रहा है, तो विटामिन एंड प्रोटीन सप्लीमेंट करके उसके डाइट को बैलेंस किया जाता है। हम लोग इसको सर्जरी जो करते हैं, इसका मेन जो पर्पस होता है कि पेशेंट को जो सिम्टम्स है, जिस प्रॉब्लम के लिए हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, मेटाबॉलिक पार्ट जो इस ओबेसिटी का है उसको रिलीव करने के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ डाइट प्रॉब्लम, प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, इसका ओबेसिटी सपोज कीजिए कि एक्सेस वेट अराउंड 80 kg था, तो हम लोग उसमें से अराउंड 80% अचीव कर लेते हैं। इसका 80 kg एक्सेस वेट है तो 50 किलो, 55 किलो उतना तक वो लूज कर जाता है। तो उस सक्सेस रेट में, इसका जो सक्सेस रेट है अचीविंग 80% ऑफ एक्सेस वेट लॉस, तो वो अराउंड 90+ 90% से ऊपर है। सेकेंडली डायबिटीज रेजोल्यूशन, जो सक्सेस का दूसरा पैरामीटर्स है, तो इसका भी रेजोल्यूशन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी पे भी डिपेंड करता है। जैसे ये ओबेसिटी सर्जरी है, इसमें अराउंड 10 to 15 प्रोसीडियोर्स है, वो डिफरेंट पेशेंट के हिसाब से टेलर किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्जरी, ये डायबिटीज रेजोल्यूशन जो है वो पता चलता है। तो इसमें जो है, अगर हम लोग मेटाबॉलिक ये माल एब्जॉर्प्टिव के साथ रेस्ट्रिक्टिव भी करते हैं, जिसको पॉपुलरली हम लोग स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी या RYGB, रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं, या आजकल मिनी गैस्ट्रिक बाईपास भी कर रहे हैं, तो इसके बाद जो है बाईपास सर्जरी जिसमें इंक्लूडेड होता है, तो डायबिटीज रेजोल्यूशन इज मोर देन 85%। 85% पेशेंट से ज्यादा का डायबिटीज ठीक हो जाता है। मोर देन 90% पेशेंट का जो है स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है। जो नी प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम है, लो बैक रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी 60% पेशेंट में कम हो जाता है। हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का, उसका भी रेजोल्यूशन अराउंड 60% पेशेंट में कम हो जाता है। और आपका जो बहुत सारे पेशेंट में ये देखा गया है कि जो उसका पहले क्रेविंग्स होता था आइसक्रीम खाने का या कुछ केक खाने का, वो क्रेविंग्स भी चेंज हो जाता है। उसका जो टेस्ट है, जो प्री ऑपरेटिव टेस्ट है और जो पोस्ट ऑपरेटिव टेस्ट है, फूड प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक जर्नी है, एक पाथवे है, मतलब तो कोई ऐसा इसका एक नहीं है कि जस्ट लाइक कि इस परसेंटेज में बताया जाए कि क्या सक्सेस रेट है, लेकिन सारे पैरामीटर्स को देखिएगा, सक्सेस रेट इज वेरी गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेशेंट का जो मॉर्टेलिटी है वो रिड्यूस करता है। पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल पार्ट है, जो पेशेंट ओबीज होते हैं सोसाइटी में, जो उनको कहीं पे बैठने में लोग उनको देखते हैं वो नेग्लेक्टेड या इग्नोर्ड फील करते हैं, तो वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें जो डेवलप होता है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है सक्सेस रेट। इवन मोस्ट ऑफ द पेशेंट हम लोग देखते हैं कि जो ओबीज फीमेल पेशेंट होती हैं, ठीक ना, तो एक बार जब सर्जरी के बाद व्हेन दे सिट विद क्रॉस लेग, दे फील वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, जो पहले वो नहीं कर पाती थी। तो ये एक पाथवे है और इस पाथवे में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है।